আর মাত্র কিছুদিনের অপেক্ষা, তারপরে অনুষ্ঠিত হবে লোকসভা নির্বাচন। রাজ্যে দু দফায় অনুষ্ঠিত হবে এই লোকসভা নির্বাচন। নির্বাচন এবং ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নব মতদাতারা। গত কিছুদিন পূর্বেও রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভোট সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে জেলা নির্বাচন আধিকারিকের উদ্যোগে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর গঙ্গা প্রসাদ প্রসেন এবং জিনমাস দীপা কর্মকার সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যালট পেপারের পরিবর্তে ইভিএম ব্যবহারের কারণ ও সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। ज़्यादातर जब हमने शुरुआत करी थी या किसी भी कंट्री में शुरुआत करी थी तो वो बैलेट पेपर के साथ ही करी थी, परंतु जब इवोल्यूशन हुआ 1982 से लेके तमिलनाडु में शुरू हुआ और अब हम लोग पूरे कंट्री में ये कर रहे हैं, ईवीएम में ऐसी कोई खराबी नहीं है। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह के मैकेनिज़म से वो स्टेट के लोगों को सेटिस्फाई किया जा सकता है। आपने कहा कि अमेरिका में क्यों अभी भी बैलेट पेपर यूज़ होता है और क्यों हमारी कंट्री में ईवीएम यूज़ होता है, इसके दो तीन इम्पॉर्टेंट रीज़न है। एक तो जो हमारा इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है वो अमेरिका से लगभग 4 times है, और दूसरा क्या है कि जो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन है, क्योंकि इंडिया एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट स्टेट्स है, तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखें तो कई रिसोर्सेज जब हम लोग बैलेट पेपर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। दूसरा, जो अमेरिका में इलेक्शन का प्रोसीजर है ये एक ईयर मतलब एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, और हमारा जो काउंटिंग का प्रोसीजर है वो बहुत बहुत लिमिटेड, एक दिन में ही पूरे कंट्री की काउंटिंग कंप्लीट करने पड़ती है एज पर द प्रोसीजर। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके यही डिसाइड किया गया। इवन कोर्ट में भी डिस्कशन हुआ, मीडिया में भी डिस्कशन हुआ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी डिस्कशन हुआ कि ईवीएम बेस्ट है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जब किसी और साइड होती है तो वो कहती हैं कि भाई ईवीएम ठीक नहीं है, परंतु ऐसा कभी प्रूव नहीं हुआ कि ईवीएम में आपका जो इलेक्टोरल डाटा है उसमें आज तक कोई मैनिपुलेशन हुआ हो। सरकारें लास्ट 30-40 सालों में ईवीएम के थ्रू चेंज भी हुई हैं और साइलेंटली चेंज हुई हैं, कोई इसमें किसी वोटर ने आज तक नहीं बोला कि मैंने वो वोट डाला तो वो गलत पड़ा है। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं, ये जो गलत फहमियाँ हैं, ये एक्चुअली लिमिटेड हैं आम जनता को। এদিন এই কর্মসূচির মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অবগত করান উপস্থিত বক্তারা। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ইনিউজ।